जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स में छूट की मांग करने वालों को दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि अगर लोगों को अच्छी रोड चाहिए तो उसके लिए टोल टैक्स का भुगतान भी करना होगा। टोल टैक्स को अपना ब्रेन चाइल्ड बताते हुए गडकरी ने कहा कि टोल जिंदगी भर बंद नहीं हो सकता, हालांकि इसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे, इतने सब मुंबई के 55 उड्डान पुल करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा, मैं मुंबई शहर में पैसे नहीं दूंगा। तो मुंबई शहर में हमने फ्लाईओवर बनाए तो टोल बनाए, टोल लगाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो टोल लगाया। अब मुझे आप बताइए कि मुंबई और पुणे से बीच में आने के लिए, आप सबको याद होगा, 8 घंटे 9 घंटे 11 घंटे लगते थे, अब आप 2 घंटे में आते। तटकरे जी बैठे, सुप्रिया बैठी, यहाँ आप कितने घंटे में आती है? 2 घंटे में आती है। अब शायद उस समय सुप्रिया जी छोटी होंगी, पवार साहब थे उस समय। मुंबई पुणे में असेंबली में हर समय डिस्कशन होता था कि ये रोड कब बनेगा, पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमने कर्जा निकालकर पैसे निकाले तो टोल लगाया। अब मैं आपको पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। गडकरी ने कहा कि सरकार के पास सड़क बनाने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। सरकार ने पिछले 5 सालों में 40,000 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया है, इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय से एक भी पैसा नहीं लिया है। ऐसे में टोल टैक्स बंद किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। हमारा काम यह है कि जो राज्य कमजोर है उनको ज्यादा पैसे देना, जो धनवान है वहां से इकट्ठा करना, इसमें क्या गलत है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है, जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो। तो पहली बात तो ये टोल के, आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं बहुत साफ बोलने में, कभी कभी मुझसे तकलीफ भी होती है, पर टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम ज्यादा कंसेशन हो सकते हैं। और इससे क्या होगा, ये 22 हाईवे बना रहे हैं हम लोग ग्रीन, इससे डिस्टेंस कम हो रहा है। बता दें कि मंगलवार को नितिन गडकरी लोकसभा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के फंडों की मांगों को लेकर सवालों का जवाब दे रहे थे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।